So if you are thinking to buy a Bajaj Dominar in 2023, you have quite a few options where you can look into. So आपके पास Triumph के 400s है, KTM Duke है, and Adventure 390 series भी है, and even the new Himalayan is quite appealing when it comes to seeing the specs on the paper. I don't know how it rides, but रिव्यूज से तो अच्छा ही लग रहा है बाइक. मैं आपको ये बाइक इसलिए परचेस करने बोलूँगा क्योंकि दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट अंडर रेटेड टूरिंग बाइक इन इंडिया एंड इज़ प्रोड्यूस्ड बाय एन इंडियन मैन्युफैक्चरर. तो इंडियन मैन्युफैक्चरर्स ये सीसी सेगमेंट में अपने पास दो या तीन ही ऑप्शन है. एक तो है जो ट्रायम्फ बजाज, तो ठीक है समझो वो तो मतलब ट्रायम्फ के ब्रांड नेम के अंडर बिक रहा है, बट इवेंचुअली वी नो इट इज़ अ बजाज मोटरसाइकिल. और दूसरा है हिमालयन. हिमालयन तो अच्छा बाइक है, आई एम नॉट डाउटिंग दी रिलायबिलिटी इश्यूज़ ऑफ अ रॉयल एनफील्ड, क्योंकि मेरे पास खुद एक रॉयल एनफील्ड है तो मैं उस बारे में नहीं बोलूँगा. जितना सोशल मीडिया पर रॉयल एनफील्ड बदनाम है उतना तो मैंने मेरे बाइक के साथ फेस नहीं किया है, तो फिर मैं तो उस हिसाब से मैं कुछ बोल नहीं पाऊँगा उसके बारे में. तीसरा बाइक है BMW GS310 और G310. हाँ, वो आप बोल सकते हो कि ये इंडियन नहीं है, पर सबको पता है कि इट इज़ मैन्युफैक्चर्ड बाय TVS. होंडा है और हार्ली डेविडसन X440, तो उनको साइड में रखते हैं क्योंकि वो बाइक को इस बाइक के साथ कंपेयर करना सही नहीं है मेरे ख्याल से, क्योंकि दोज आर आई गेस अ बिट ऑफ क्रूज़र मोटर बाइक्स, दैट इज़ वॉट आई फील अबाउट देम. और उनका हायर कंप्रेशन रेशियो इंजन नहीं है. कंप्रेशन रेशियो मेक्स अ हेल लॉट ऑफ डिफरेंस इन द परफॉर्मेंस ऑफ द बाइक्स. सर पता नहीं क्यों इस बाइक का थोड़ा नाम खराब है, बिकॉज ऑफ इट बीइंग वेरी हैवी. तो आई डोंट हैव अ प्रॉब्लम ऑफ हैंडलिंग अ हैवी मोटर बाइक, पर वाइल राइडिंग यू डोंट फील द हेफ्ट ऑफ द मोटरसाइकिल. कभी आपका फॉल हो गया तो उस टाइम पर थोड़ा दिक्कत दे सकता है, बट इफ़ यू कैन मैनेज अ हैवी मोटरसाइकिल देन I will definitely recommend you to test ride this motorbike once. और बाकी सारे motorbikes भी test करो, उसके बाद ही आपको इसका real मतलब real world performance इसका पता चलेगा. अभी I am doing somewhat around 40 to 50 kilometers in the fourth gear 3,500 RPM में. बहुत easily city में भी चला सकते हो इस bike को. ज़रूरी नहीं है कि आपको ये bike लिया है, आपने एक higher revving engine लिया है तो हमेशा आप उसको redline ही करते रहो. सस्पेंशन अच्छा है इसके बाइक का, अभी पावर का तो इजीली ओवरटेक्स कर सकते हो हाईवेज पे. थर्ड गियर थ्रॉटल ओपन किया, गाड़ी इजीली 80 टच हो गया. चढ़ता भी बहुत अच्छा है गियर्स इसमें. सो प्रीटी नीट लुकिंग बाइक. अभी तो बजाज वाइजर का कैरियर और नकल गार्ड्स तो स्टॉप ही दे रहे हैं आपको, इसमें आपको एक्सटर्नली खर्चा करने की ज़रूरत नहीं है. नकल गार्ड्स मैंने देखा डोमिनार का अच्छा ही है. जो स्टॉक वाइजर आता है, जो अभी रिसेंटली जो मैंने नए डोमिनार देखे उसमें स्टॉक वाइजर भी अच्छा है, और इवन उसका बैक कैरियर जो लगेज कैरियर है वो भी अच्छा है, और इवन उसका एक बैक रेस्ट भी अच्छा था. और गाड़ी उतना चला नहीं है, 10,000 किलोमीटर के आसपास, मतलब 9,500 किलोमीटर हुआ है बाइक का. तो अब तक तो मुझे ऐसा कुछ मेजर प्रॉब्लम फेस नहीं हुआ है बाइक में, ओवरहीटिंग का या फिर अचानक से ब्रेक डाउन हो जाने का बाइक का, कभी बंद हो जाने का, ऐसा मुझे तो कुछ इशू हुआ नहीं है. ना मुझे इसके स्पीडों के सेंसर में हुआ है कभी, और ये भी इसमें भी मुझे कुछ दिक्कत नहीं आया. पब्लिक बोलते हैं इसका फ्यूल पम्प वगैरह उड़ जाता है, पर आई हैव ऑलवेज मेंटेन द मिनिमम लिमिट ऑफ दिस फ्यूल पम्प. बाकी सब 400cc में आप एक प्रॉपर बिग बाइक फील लेना चाहते हो तो ये बाइक बहुत अच्छा है. इसका एग्जॉस्ट नोट भी है ना, लोग घूम घूम के देखते हैं. अगर आप मतलब अच्छा से गियर रेव मैचिंग करके डाउनशिफ्ट कर रहे हो ना, तो गाड़ी एक बहुत अच्छा साउंड प्रोड्यूस करता है. पब्लिक को सब घूम घूम के देखते हैं कि ये कौन सा बाइक है बोलते हैं. और रोड प्रेजेंस तो बाइक का है. आफ्टर इंस्टॉलिंग दिस हैवी गार्ड एंड दिस वाइजर with a wide handlebar and a good wide and a big rear luggage carrier, road presence इसका definitely है.
Dominar 400 is a pretty good touring bike. It is one of the most underrated touring bikes which India has produced. It has got good power, good suspension and good rider's triangle. With a few modifications, you can tour on this bike easily. और parts के quality भी अच्छे हैं इसके. Bajaj का network बहुत strong है. कहीं पे भी Bajaj का showroom आपको मिल जाएगा. Even if you are on a longer route, आपको parts या फिर service के regarding कोई issue नहीं आएगा. आया तो भी Bajaj is there to help you out. पावर बहुत ज़्यादा लीनियर है. देखो मैं फील कर रहा हूँ कितना इजी फील हो रहा है. एग्जॉस्ट नोट भी बहुत प्यारा है इसका. पुलिस लोग जाने बोल रहे. इफ यू आर लुकिंग टू बाय अ बाइक अंडर द 400 सीसी सेगमेंट, तो डेफिनेटली टेक अ लुक एट दिस बाइक वंस. टेक अ टेस्ट राइड एंड टेक द टेस्ट राइड ऑफ द अदर बाइक्स एज वेल. सो इन द 400 सीसी सेगमेंट यू हैव ट्रायम्फ के ट्विन्स विच इज द स्पीड एंड स्क्रैम्बलर, KTM ड्यूक 390 एंड एडवेंचर 390 इज देयर, एंड इवन द RC इज 390 इज देयर. आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट द एंटायर 400 सीसी सेगमेंट विच इज अवेलेबल इन इंडिया. वो है, यू हैव द हिमालयन 450 और यू कैन बाय अ सेकेंड हैंड हिमालयन 411. दैट टू इज़ अ प्रिटी गुड बाइक. एंड यू हैव द TVS BMW का बच्चे लोग, the RR310 इज देयर, G310 इज देयर, GS310 इज देयर एंड द न्यू अपाची RTR310 इज देयर. And in the cruiser segment, if you are looking for a cruiser bike, then you have the entire Royal Enfield ka thing. And the Honda CB350, the newer one, looks like a classic 350, but rides better than the classic 350. That is there. And the Harley-Davidson X440 is also there. So if you are looking for a 400cc segment in India now, you are going to have a lot of options. From that you can narrow down a few options and get a better bike. So this is it for the video guys. If you end up liking my content, a subscribe would be highly appreciated. If you have any doubts, then drop down in the comments below. I will be more than happy to answer all the questions.